इस एक फेलियर की वजह से वॉरेन बफेट आज इतने सक्सेसफुल बने हैं। मिस्टर बफेट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ना चाहते थे, लेकिन इंटरव्यू के बाद वो रिजेक्ट हुए, जिसके बाद वो काफी निराश हुए कि बिजनेस के बारे में मुझे बेहतर कहां सीखने मिल सकता है। इसी दौरान वो बाकी बिजनेस स्कूल की लिस्ट देख रहे थे, जिसे देखकर वो हैरान रह गए कि उनकी फेवरेट बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने तुरंत डेविड डॉड को एक लेटर लिखा कि मुझे तो लगा कि आप लोग शायद मर गए हैं, लेकिन यहाँ पर जब मैंने कैटलॉग में देखा तो आपका नाम देखकर मैं हैरान रह गया। आपसे फाइनेंस और स्टॉक मार्केट को सीखना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जल्दी उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती है और वहां पर वो सीधे बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड से स्टॉक मार्केट और फाइनेंस सीखते हैं। और उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बेंजामिन ग्राहम की कंपनी में ही काम किया और उसके बाद अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू की, और उसके बाद की चीजें तो हिस्ट्री बन गई और हम सभी को पता है। तो इस तरह हर फेलियर खराब नहीं होता है, कुछ फेलियर्स आपको और सक्सेसफुल बनाने के लिए होते हैं। ऐसी बिजनेस स्टोरीज के लिए जरूर कन्वे को सब्सक्राइब करें।